नेहरू युवा केंद्र सिरसा द्वारा आज गोरीवाला के न्यू ग्रामीण शिक्षा संस्थान के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजन अभी शुरू हुआ है और इस आयोजन के अंदर मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ होने वाला है। इस आयोजन का नाम है पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के दौरान पड़ोसी गांव के डबवाली ब्लॉक के जितने भी गांव हैं उन सभी गांव के युवाओं को ये प्रेरणा देना है कि वो समाज सेवा और समाज हित में उठ कर के आगे आए ताकि आने वाले समय में हमें कोई एक अच्छा और युवा और ईमानदार नेता मिल सके। अच्छा युवा ईमानदार नेता को ऊपर उभार करके लाना इस नेहरू युवा केंद्र का मुख्य लक्ष्य है। इसी के तत्वाधान में आज नेहरू युवा केंद्र ने न्यू ग्रामीण शिक्षा संस्थान गोरीवाला के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं कि अच्छे से चल रहा है और कार्यक्रम की अभी विधिवत रूप से शुरुआत की गई है। और इस कार्यक्रम के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अनिल डिडारिया जो नेशनल यूथ अवार्डी हैं वो यहां पे पहुंचे हुए हैं और इसके साथ साथ जो जगशेर सिंह चोरमार हैं वो यहां पे पहुंचे हुए हैं। जगशेर सिंह चोरमार नेहरू युवा केंद्र के नेशनल यूथ वॉलंटियर हैं। इसके साथ साथ संदीप भाटी जी डबवाली ब्लॉक से नेशनल यूथ वॉलंटियर हैं और श्रेय जी यहाँ पे शिरकत की है वो डबवाली से भी नेहरू यूथ वॉलंटियर हैं और शुभम बड़ागुड़ा ब्लॉक से नेहरू युवा क्लब के जो नेशनल यूथ वॉलंटियर हैं उन सभी ने यहाँ पे शिरकत की है। और संस्थान के संचालक विजय सहारन जी इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरुआत कर रहे हैं, अपना स्पीच दे रहे हैं, अपना भाषण दे रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। वो हम आपको बता चुके हैं कि जितने भी डबवाली ब्लॉक के नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत जितने भी डबवाली ब्लॉक का जो गांव है जितने युवा उनके अंतर्गत आते हैं उन गाँव के लोगों को एक ही शिक्षा देना है कि वो समाज सेवा करें, समाज हित में अपने आप को आगे लेकर के आए और उसी समाज हित को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा नेता, एक अच्छा युवा नेता उभर करके सामने आएगा और उस नेता को आगे विधानसभा तक पहुंचाना इस नेहरू युवा केंद्र का मुख्य लक्ष्य बताया जा रहा है। तो चलिए आखिर किस तरह से युवाओं को प्रेरित करते हैं, किस तरह की शिक्षा युवाओं को देते हैं वो हम आपको बताएंगे। उसके लिए हम आपसे बात भी करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे नेहरू युवा केंद्र के जो नेशनल अवार्डी वॉलंटियर हैं अनिल डिडारिया जी, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे और अन्य जो सदस्य हैं उनसे रूबरू करवाएंगे कि आखिर उनके इस जो पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं सीधा उस मंच की ओर जहां से युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये आज का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें मैं मोटा मोटा बताता हूँ 26 या 27 सितंबर को पेपर में आया था, जिसने एमटेक किया है, जिसने बीटेक किया है, जिसने बीसीए किया है, जिसने एमसीए किया है, जिसने 2 साल का पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर के अंदर और जिसने हार्ट्रॉन से 1 ईयर का डिप्लोमा किया है या HSCIT 3 मंथ्स HKSL से किया है वो ही सी ग्रेड के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं केवल, या SATC कंप्यूटर पात्रता परीक्षा पूरे हरियाणा लेवल पे हार्ट्रॉन लेता है
वो प्रतियोगिता आपको देनी पड़ेगी अगर आपको सी ग्रेड में क्वालिफाई होना है तो। तो सबसे आसान हम एमसीए नहीं कर सकते क्योंकि 5 साल की डिग्री है, बीसीए 3 साल की है, बीटेक 3 साल की है, एमटेक 5 साल की है और पॉलिटेक्निकल 2 साल का है। हार्ट्रॉन का 1 ईयर 1 साल का हो गया, 21,000 रुपये तो हार्ट्रॉन का 1 ईयर का लगता है, जीएसटी लगा के पहले 18,000 रुपये था। लेकिन सबसे सस्ता पड़ता है HSCIT 3,350 रुपये 3 महीने और पढ़ाई के साथ साथ भी हम कर सकते हैं, आसान भी है। और SATC तो भाई 6-7% रिजल्ट आता है इसका तो पूरे हरियाणा में, जैसे HTET का आता है उसी तरीके से इसका आता है। तो जिन साथियों ने कर लिया उनको तो पता है, उनके लिए खुशखबरी है भी आपने पहले कर लिया। होती है जुनून पैदा करना पड़ता है हमें अपने आप में, क्योंकि सबसे ज्यादा भागीदारी हमारे औलाद है, हमें सबसे ज्यादा पता है आज खेती की हालात क्या हो रही है। तो सबसे पहले हम स्टडी पे विशेष ध्यान दें, उसके साथ साथ जो आज हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट श्री अनिल जी डिडारिया, और वो किस तरह राष्ट्रीय अवार्डी बने, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया, वो आज इनके मुख से ही सुनेंगे ताकि हम इनका अनुसरण कर सके। मैं इतना ही, और मेरे पत्रकार बंधु सारे यहाँ पहुंचे हैं, खासतौर पे मैं उनका यहाँ पहुंचने पर NGSS की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। धर्मार्थ से हैं हमारे साथी युवा काफी एक्टिव हैं, नशे के खास तौर पे विरोधी हैं। नेहरू युवा केंद्र बारे सानू थोड़ा जिहा दसना चाहुंदे आं, असीं है की है, जिवें पिंडां दे विच पंचायतां हुंदियां ओही अपने पिंड दे विच काम कर सकदियां, पंचायत दे विच कौन लोक आ सकदे जिहड़े लोकां वल्लों चुणे जांदे आ, ते पर कुछ लोक जिहड़े नौजवान है उहनां नूं भी इक आपां नवां रस्ता देणा हुंदा है, उहनां दे मन दे विच भी हुंदी है वी पिंड दे विच असीं भी कुछ काम कर सकीए, असीं भी पिंड दे चंगे प्रोग्रामां दे विच जिहदे विच उहनां दी मदद करदा है। नेहरू युवा केंद्र मौके दीआं सरकार दीआं स्कीमां लई हर तरह तरह दीमान लिए नौजवानों को दसदा रहा है, जोड़े नौजवान होंगे है उन्होंने दसदा रहा पिंड क्लब बना के किमें लोगों तो फंड लेके जमें अगे काम कर सकते हैं, कित भी चंगा कोई डेयरी फार्म ज किसी भी अपने लोगों के बिजनेस चल रहे हैं उन्हों की विजिट करवा नेहरू युवा केंद्र, अपने स्टेट तो बहर भी जमें उत्तराखंड के हिमाचल के कित भी कोई प्रोग्राम ज मशहूर लोग है उन्होंने कैंपा के लिजाण की सारा सरकारी खर्चे के उत्ते नेहरू युवा केंद्र वालों ट्रेनिंगा कराई जाए, कुछ लोग चुनिंदा लोग जाते हैं, उस तो बाद कोई भी यूथ अगे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं ज एरिए भी किमें इन्हों का अगे असी नैशनल जूनियर अवार्ड किमें मिले किमें जाके अगे सोडा देश के मशहूर लोगों के बीच गिनती के आ सकते हैं जिमें आप कम कर सकते हैं। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मंचासीन आज के हमारे इस कार्यक्रम को संचालक जिन्होंने इस कार्यक्रम की यहाँ पर आधारशिला रखी है विजय सारण जी आपके सेंटर के संचालक, उनके साथ मंच को एक ही जगह एक ही गांव के अंदर किसी भी क्षेत्र में हम कर सकते थे, तो इसके लिए हमने गोरीवाड़ा को चुना, यहाँ पर लगभग 10-20 गांव के यूथ क्लबों को बुलाया, उनसे आपका इस कार्यक्रम का जो मेनली उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का नाम हमने पड़ोस युवा संसद हमने नहीं सरकार ने क्यों रखा है नेबरहुड पार्लियामेंट यूथ पार्लियामेंट इसका क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि पड़ोस युवा संसद का जो मेनली हमारा मोटिव ये है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी आसपास के यूथ क्लब है उन यूथ क्लबों को हम इकट्ठा करके एक जगह उनके एक मीटिंग के रूप में एक कार्यकारिणी गठित करें। अब आने वाले टाइम के अंदर हम पूरे सिरसा जिला के अंदर एक ऑल यूथ क्लब एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं, उसमें भी इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा रोल रहेगा। जब हम ब्लॉक के अंदर किसी भी ब्लॉक के अंदर सिरसा के जो 7 ब्लॉक हैं सातों ब्लॉकों में अलग अलग कार्यक्रम ये कर रहे हैं सरकार के दिशा अनुसार, इस कार्यक्रम का जो मेनली हमारा मोटिव ये है कि जो यूथ क्लब अच्छे काम कर रहे हैं या जो यूथ क्लब नहीं अच्छे काम कर रहे, तो जो मेनली पड़ोस युवा संसद का जो अर्थ है वो ये है कि आपके पड़ोस के अंदर जो दूसरा यूथ क्लब बना हुआ है अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको देखकर उसके जो आसपास के 4 गांव है 6 गांव है 8 गांव है उसको देख के कम से कम, ठीक है उतना आप नहीं कर पाते लेकिन कुछ ना कुछ उस जैसा आप जरूर कर सकते हो। हमें बड़ी खुशी होती है जब चकजालू का नाम बड़े बड़े स्तर पर लिया जाता है, आप लोग पढ़ते रहते हो अखबारों के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट इनको शायद स्टेट अवार्ड भी मिल चुका है, ऐसे स्कूल जहाँ पर
इतने अच्छे फूलदार पौधे लगाए गए, इतना अच्छा उस स्कूल को सुसज्जित ढंग से तैयार किया गया है कि वहां पर जाने के बाद कोई भी अधिकारी जाता है, कोई भी साथी जाता है, उसका मन लग जाता है, क्योंकि इतनी साफ सफाई देखने को वहां इंस्टीट्यूट को भी सजा सकते हैं। हम जहां भी काम कर रहे हैं उस संस्था को चार चांद लगा सकते हैं, जहां जो खुद को देना होता है वो आप उसमें दे सकते हो। इसके अलावा अगर पौधारोपण की हम बात करते हैं तो पौधारोपण में आपको कुछ नहीं करना, और आजकल तो हमारे डॉक्टर वाड़ी भी हमारे सब पुराने साथी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है। इस बार वो लगभग पिछले साल उन्होंने 1 करोड़ मुफ्त पौधे बांटे थे, इस बार वो देते हो तो मान के चलो वहां पे आपको एक पौधे के अगर 1 रुपया भी अदा करना पड़े, अगर 11,000 पौधे लेके आते तो आपको 11,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, लेकिन वहां से आप अपनी इच्छा अनुसार 5,000, 10,000, 11,000, 21,000 जितने पौधे आप कामयाब कर सकते हो उतने पौधे उनके पास से आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जा सकते हो। और आज उन्होंने इसलिए स्पेशल सेमिनार लगाया हुआ है वहां पे, अगर अगर आप आज गांव दड़बी के अंदर किसी भी टाइम तक रात के 7:30 बजे तक आप जा सकते हो, कोई ज्यादा दूर नहीं है। ऐसी ऐसी वैरायटियां आपको मिलेगी जो वैरायटियां आज तक आपने देखी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कुछ वैरायटियां तो पता नहीं नाइजीरिया, कंबोडिया, मलेशिया, पता नहीं कहां कहां से लेके आए। उनका एक पूरा बायोडाटा मेरे पास घर रह गया, वो आपको मैं बताता तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो ऐसे युवा साथी भी हमारे बीच में बैठे हैं, 2.5 करोड़ का नाम बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन 2.5 करोड़ की जब गिनती स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे काफी जीरो लग जाती है। अगर हम एक क्या जोर से भाई, जोर से तालियां बजा दो। 2017 में एडमिशन था, अप्रैल 2017 में एग्जाम थे, मुकेश रिसालिया खेड़ा से फर्स्ट है, 0.78% मुकेश सालिया खेड़ा से अप्रैल 2017 एग्जाम में 83, तालियां बजा दो, ये भी सेकंड आए हैं, 86 बहुत होते हैं। इनके 89% मई 2017 में एग्जाम हुआ था रमनदीप कौर, मैंने कहा था ना महिलाएं एजुकेशन में तो आगे हैं, इनके 88. अभी मावाड़ी से और सेकंड आ जाए भोम सिंह जी झुट्टीगेड़ा से, भोम सिंह जी के 58.5% सेकंड, ये बैच काफी, जिनके एडमिशन थे जुलाई 17 में एग्जाम हुए, मनोज कुमार नोहियावाली फर्स्ट, मनोज कुमार नोहियावाली से 91%, मनोज कुमार ने काफी मेहनत की, रेगुलर स्टूडेंट रहा है मेरा ये। सेकंड 89% कविता की, बहुत बढ़िया परफॉर्म रही इनकी, जोर से तालियां। एडमिशन था सितंबर 17 में एग्जाम हुआ है, संदीप कुमार बिजवाली, संदीप कुमार आया नहीं क्या, अंकित बिजवाली से सेकंड है, अंकित शायद संदीप का एग्जाम चल रहा है आज, वो फोन आया था डीडी पुस्तक आया जाएगा आज, एग्जाम बहुत बच्चों के हैं, अंकित बिजवाली से सेकंड 86.95। मुख्य अतिथि श्री अनिल जी डिडारिया से निवेदन करूंगा कि वो आए, आप भी आ जाओ साथ ही आ जाओ। इस पड़ोस युवा संसद का जो कार्यक्रम का जो मेन मोटिव, हमारा जो मेन उद्देश्य है, ये कार्यक्रम का नाम क्यों रखा गया सरकार ने, ये इसलिए रखा गया ताकि पड़ोस का मतलब आस पड़ोस होता है, जिस प्रकार हम अपने गांव में रहते हैं, घरों में रहते हैं, एक पड़ोसियों के साथ हमारा जो तालमेल होता है, उसी तालमेल के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी ब्लॉक के जितने यूथ क्लब बने हुए हैं, उन क्लबों को हम एक मंच के ऊपर एक कार्यक्रम में इकट्ठा करके उनका आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, जो हमारा मेन मोटिव ये है।
पड़ोस युवा संसद के माध्यम से एक छोटी सी यानी कि युवाओं का एक पार्लियामेंट जिसको हम संसद का नाम दिया गया है, ताकि वो इकट्ठी हो, उनमें आपस में विचार विमर्श हो और उनके अंदर जो भी मुद्दा उठ रहा है, जो सामाजिक मुद्दा उठ रहा है, उनको क्या क्या सामाजिक जो काम कर रहे हैं उनके अंदर उनको कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही है, परेशानियाँ आ रही है, या क्या क्या वो काम कर रहे हैं, जो यूथ क्लब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो उनको बताएँ भी हमने ये काम इस प्रकार कर रहे हैं, हमें इस प्रकार ये काम करने में इतनी आसानी हो रही है या हमें इस कार्यक्रम में यहाँ दिक्कत आ रही है, तो ताकि आपस में जो हम युवा एक ब्लॉक के युवा इकट्ठे होते हैं, हमारा आपस में आदान प्रदान होता है इस बातों को लेकर, विचार विमर्श होता है और उन परेशानियों को हम आने वाले टाइम में दूर भी कर सकें। सर, किस लेवल तक का ये कार्यक्रम आयोजित करवाया जाता है? ये सर हर खंड के अंदर यानी कि एक ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है, हमारे सिरसा जिला के अंदर जैसे 7 ब्लॉक है तो हमारे 7 कार्यक्रम रखे गए हैं, तो अलग अलग इस कार्यक्रम के लिए हम स्थान चुनते हैं जहाँ के यूथ ज़्यादा एक्टिव हो और जहाँ पर यूथ ज़्यादा अपना आने में जिनको परेशानी न हो, जिस तरह उसी एरिया के अकॉर्डिंग हम उस ब्लॉक का कार्यक्रम वहाँ पे रखते हैं। सर, मेनली टारगेट क्या होता है, युवाओं को किस ओर आकर्षित करना होता है इस कार्यक्रम? मेनली सर हमारा टारगेट यही है, जो आज की युवा पीढ़ी हम देखते जा रहे हैं, नशे में डूबती जा रही है, बुराई संगतों में डूबती जा रही है, बुराइयों की तरफ आकर्षित हो रही है, क्राइम में युवा पड़ रहा है, आजकल देखते हैं डकैती की घटनाएँ बहुत हो रही है, चोरी की घटनाएँ बहुत हो रही है, तो उन युवाओं को ये करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है, वो युवा अपने लाइफ स्किल के माध्यम से उनके अंदर कितनी पता नहीं कुछ ऐसे कलाकार युवा भी बैठे हैं, मान के चलो हम अगर एक चोर की बात करते हैं, चोर जब किसी घर का ताला तोड़ता है या ताला खोलता है उसके अंदर भी एक टेक्निकल है, उसके अंदर भी एक स्किल है, तो उस स्किल को गलत जगह पर ना लगाकर उस स्किल को अगर अच्छी जगह पर लगाएगा तो आने वाले टाइम के अंदर वो खुद का विकास करेगा, अपने एरिया का विकास करेगा, अपने स्टेट का भी विकास करेगा, अपने देश का भी करेगा। युवाओं के लिए कोई संदेश आप देना? सर, युवाओं के लिए हमारा ये संदेश है, आज की जो युवा पीढ़ी है उनसे मेरा यही आग्रह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से, नेहरू युवा केंद्र एक भारत सरकार की संस्था, उसके माध्यम से गाँव के अंदर अच्छे यूथ क्लब का निर्माण करे और उन यूथ क्लबों को समय समय पर छोटे छोटे ऐसे कार्यक्रम करके जिसके अंदर ना ज़्यादा पैसा लगाना की जरूरत, ना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत, यानी कि सफाई अभियान हो गया, पौधारोपण हो गया, कुछ कल्चर एक्टिविटी, सांस्कृतिक एक्टिविटी, ब्लड डोनेशन कैंप आदि लगाकर अपने गांव के जो युवा पीढ़ी, उस गांव की युवा पीढ़ी को सामाजिक कल्याण के कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर कर सके। ठीक, आज जो हमें खास तौर पर मौका मिला पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम NGSS गोरीवाला में, जो श्री अनिल जी डिडारिया ने हमें मौका दिया कि युवाओं से कैसे अपील करें कि वो हमारे नेहरू युवा केंद्र के साथ जुड़ के गांव में सोशल एक्टिविटी में किस तरीके से भाग लें, गांव में जो सरकार की नीतियां आती है उनको जन जन तक पहुंचाने का जो फैसला खास तौर पे हमारे युवा साथी, उनमें एक जुनून होता है, उनमें एक हिम्मत है, वो हौसला रखते हैं और पढ़े लिखे भी हैं, तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आती है उनको वो घर घर तक पहुंचाने का काम करे, लोगों में सामाजिक दायित्व की जो भूमिका है उसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं युवा, कि किस प्रकार से हम हमारे समाज का उत्थान कर सकते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को, जैसे मैंने पहले भी बोला था जगशीर सिंह जी चोरमार्ग, ये खास तौर पे नशा विरोधी के नाम से जाने जाते हैं, तो इन्होंने एक मुहिम अच्छी चलाई है, 50-60 उजड़े घरों को इन्होंने बसाया है, इस प्रकार की मुहिम, क्योंकि नशा आजकल हर गांव में एक जड़ कर चुका है गहरी, घर बर्बाद करने के लिए खास तौर पे नशा हर गांव में, गोलियों से लेके चिट्टे तक का नशा यहाँ फैला हुआ है, क्योंकि ये पंजाब की सीमा से सटा हुआ है इलाका है, तो हम खास तौर पे चाहते हैं कि गाँव के युवा नशा विरोधी मुहिम चला के अपने साथियों को बचाएं, अपने साथियों की परिवार को बचाएं और ख़ास तौर पे जो स्वच्छता अभियान जो सरकार ने मुहिम चला रखी है उसका हम सब सहयोग दें, हमारे गांव का, हमारे समाज का, हमारा खुद का एक सामाजिक विकास हो, एक हमारा भौगोलिक विकास हो, इस तरह के मैं चाहता हूं कि हम भी NGSS की तरफ से भी ये मुहिम में नेहरू युवा केंद्र का पूरी तरीके से अपील करता हूं सभी साथियों से, हर बार जो हमारे नए स्टूडेंट्स आएंगे उनसे भी अपील करता रहूंगा कि वो पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम के तहत लोगों से जुड़े रहें और सामाजिक कार्य में भागीदारी बनी रहे। धन्यवाद। हमने पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम तो सर अब चला है, इसके साथ नहीं, हमने नेहरू युवा केंद्र के तहत जो क्लब चलते हैं हर गाँव में, मैं चोरमार खेड़ा क्लब का सेक्रेटरी हूँ, उस क्लब के माध्यम में हमने नशा छुड़वाया लोगों का,
जैसे नशा उस टाइम में गांव में नशा ज़्यादा था, नए यूथ नशे में जुड़ रहे थे, तो हमने क्या किया, हर गांव में एक जागरूकता का कार्यक्रम किए। वहां पर नशा मुक्ति केंद्र है, उसका कालाबाड़ी में नशा मुक्ति केंद्र है सरकार का, उसके साथ वो कार्यक्रम करते थे, पर उसके पब्लिक नहीं आती थी उनके कार्यक्रम में। हमने जिस जिस गाँव में टच था, हम कार्यक्रम में उनके साथ जाना शुरू किया, गाँव में सेमिनार करते थे लोगों को, जिस जैसे पंजाबी लोग ज़्यादा नशा करते थे उस एरिए, सिंहपुरा साइड लालो चोरमर साइड, हम पंजाबी में वहाँ पर स्पीच करते और लोगों को समझाते थे और भी ऐसे नशा छोड़ा जाता है। लोगों के मन में एक वहम था भी कोई भी नशा मुक्ति सेंटर नशा छुड़वाता है वो मारपीट करके छुड़वाता है। हम उसको सरकारी नशा मुक्ति सेंटर कालाबाड़ी के बारे में बताते थे। उसके बाद एसपी साहब शैनबी साहब जी आए, उन्होंने हमारे गाँव की विजिट की भी, आप बहुत नशा छुड़ा रहे हैं, हम भी कैसे सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने हमारे सहयोग से हमारे भी बातचीत की, एक फिल्म बनाई पहल, वो फिल्म भी हमने पुलिस की टीम के साथ जाकर गाँव में दिखाई। उसके बाद हमने लोगों को नशा मुक्ति केंद्र में नशा छुड़वाने के लिए भेजना शुरू किया और हम साथ भी रहते, वहाँ पर भी रहे हम कुछ टाइम। अब हम नशा मुक्ति केंद्र के साथ नहीं जुड़े थे उस टाइम में, ओपीडी वहाँ पर बहुत कम होती थी, अब उसका हम ओपीडी उसका प्रचार करते। अब ओपीडी इस दो साल में जितनी पिछले आठ साल में उसमें ओपीडी थी, अब दो साल में हो जाती है उतनी ओपीडी। सर, पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम के अंदर आप आए हैं, क्या कुछ देखने को मिला, क्या आपने यहाँ से सीखा, कैसा लगा ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा जी, अनिल जी डिडारिया की बातें सुन के इन्होंने बताया कि आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ जज्बा पालने के लिए बहुत रास्ते हैं, उन रास्तों पर थोड़ी कठिनाइयों के साथ चलना पड़ता है और मंजिल मिलती है, तो काफ़ी कुछ सिखाया इन्होंने। मेरा नाम सरला वर्मा है और मेरा गांव रिसालिया खेड़ा है। तो मैंने यहाँ HSCIT फरवरी 2016 में किया है, वो है HSCIT हरियाणा स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कंप्यूटर में जाने का, तो वो है हमारा HSCIT। HSCIT से बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलता है, हमारे स्टूडेंट पहले HSCIT करके ही हमारे कंप्यूटर में दाखिल हो सकते हैं। आज ये जो युवा सांसद कार्यक्रम है, इससे आपने क्या कुछ सीखा? हमारे आज जो नेहरू युवा सांसद प्रोग्राम हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य तो हम जैसे यूथ का, जो हमारे युवा हैं उनको आगे लाने का जो ये प्रयास है, बहुत अच्छा है। तो इस युवा क्लब से हम अपनी जो अंदर की घबराहट है और जो हमारा जुनून है वो छिपा हुआ है, तो उसको आगे लाने का ये प्रथम स्टेप है। जी सर, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मतलब गांव में जो लेडीज़ हैं उनको आगे नहीं आने दिया जाता, तो इससे मतलब ये होता है कि लड़कियां आगे आए, पढ़े, सब काम में लड़कियों का आगे नंबर हो। और इससे गांव में जो सफाई वगैरह है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आज हम इनसे कुछ सीख के ही जाएंगे, अपने गांव का भी नाम रोशन करें। जैसे अनिल जी ने मतलब छोटे से गांव से निकलकर सब कुछ किया, वैसे हम भी अपने गांव का नाम रोशन करें, सब कुछ करें। महिलाओं के बारे में ज़्यादातर महिलाओं के लिए कुछ करें, मतलब उनको आगे लाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो भी करें, लड़कियों को पढ़ाई के लिए आकर्षित करें। आज के टाइम होता है मतलब गांव में माँ बाप लड़कियों को बाहर जाने नहीं देते, आज का टाइम ऐसा ही है, तो हम उनको आगे लाने के लिए मतलब जो भी हमसे बन पड़े वो सब कुछ करें। हम ये प्रेरणा लेते हैं कि इससे भाई इन्होंने जो कुछ बताया, समाज में भाई आगे लड़कियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, और जो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती है उनके लिए बहुत अच्छी प्रेरणा दी है कि इससे भाई जो जिन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा है उन्हें आगे आने का मौका मिलेगा, जो घर से बाहर नहीं निकल रही है उनके लिए बढ़िया है। और पौधारोपण की बात बता के आज हमारे विदेश में बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जिससे ओजोन परत में ये खतरा मंडरा रहा है, जिसके कारण भाई अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा के हम पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं, और जिससे अधिक से अधिक वातावरण शुद्ध रहेगा। यही पर इस कार्यक्रम से हमें मतलब सीखने तो बहुत कुछ मिला है। अगर वैसे सोचा था जो नेहरू युवा क्लब के अंदर सिरसा में लगा है, इसमें से हमें ये पता चलता है कि जो घर से बाहर नहीं निकलते, पढ़ते नहीं हैं, ये सोचते हैं अभी पढ़ाई आगे क्या करना है, और मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं फिर भी एक बार सफल नहीं हो पाते, और फिर भी दोबारा अगर प्रयास करेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो युवा क्लब इससे पता चलता है कि अगर हमें एकजुट होकर कोई कार्य करना पड़े तो उसमें हम सफल हो सकते हैं। और इससे मतलब जैसे सफाई अभियान के बारे में देखें, तो वैसे सर मेरा गाँव कालवाना है, तो हमारे गांव के सरपंच है वो नहीं रहे अब, हमारे गांव में सफाई अभियान में बहुत मिले हैं, पुरस्कार भी मिले हैं हमारे गांव में, तो हमारे गांव में सफाई बहुत अच्छी है।
हाँ, कैसे जाएगा? और महिला जो कि आगे नहीं आ सकती, वो महिला कैसे आगे जा सकती है? जो कुछ आज तक कुछ नहीं किया, वो महिला आज कैसे आगे जाकर कुछ नया कर सकती है? थैंक यू। मेरा नाम विजय सिंह है और मैं गांव बारूखेड़ा से आया हूँ। मेरा गांव के अंदर फिटनेस यूथ क्लब के नाम से क्लब बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम गांव के जो नौजवान लड़के हैं खेलने वाले, वो गांव के अंदर जो सोशल वर्क का काम होता है उसके अंदर हम अपना अहम योगदान देते हैं। और जितने भी इसके साथ साथ हम जितने भी गांव के अंदर नशे से जुड़े जो मतलब ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं युवा साथी, उनको हम नशे के जो नुकसान होते हैं उनको मतलब उनकी बारे में जागरूक करते हैं भी, नशे से हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मुख्य कार्यक्रम जो नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में आयोजित किया गया था, पड़ोस सांसद कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के अंदर आपको बताया कि किस तरह से युवाओं को वो मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ताकि युवा आगे निकल कर के सामने आए। और युवा जो भ्रष्टाचारी का जो कलंक एक इस देश को लगा हुआ है, उसको मिटाने के लिए अपने आप को सफल साबित कर सकें, एक अच्छा कदम आगे बढ़ा सकें, तो यही मुख्य उद्देश्य इस नेहरू युवा केंद्र का बताया जा रहा है। कैमरामैन हेमराज बिरट के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।